सांप्रदायिक हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। तुर्की, पाकिस्तान, अमेरिका समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रतिक्रिया आई है और भारत सरकार की निंदा की गई है। शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को जर्मनी से हिटलर के नेतृत्व में हुई यहूदियों के कत्लेआम से जोड़ा है। इमरान खान ने कहा है कि मुसलमानों के जला दिए गए घरों और दुकानों की तस्वीरें सामने आ रही है। मुसलमानों को मारा पीटा जाना, मस्जिदों और कब्रगाहों को नापाक कर देना वैसा ही है जैसा नाजी जर्मनी में यहूदियों की सामूहिक हत्या के रूप में हुआ था। मोदी की फांसीवादी नस्लवादी सरकार की बर्बर सच्चाई को दुनिया समझना चाहिए और इसे रोकना भी चाहिए। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान ने गुरुवार को भी कहा था कि भारत अब एक ऐसा देश बन गया है जहां व्यापक स्तर पर नरसंहार हो रहा है। ये कैसा नरसंहार है? मुसलमानों का नरसंहार कौन कर रहा है? हिंदू। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमरीकी सीनेटर और इस साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के रेस में सबसे आगे चल रही बर्नी सैंडर्स ने भी दिल्ली हिंसा की आलोचना की है। इस्लामी देशों के संगठन IOC ने भी भारत से कार्यवाही की मांग की है। IOC की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि IOC भारत से यह अपील करता है कि वो मुस्लिम विरोधी हिंसा को अंजाम देने वाले लोगों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा करे और अपने मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। SBN 9 न्यूज़ से पुष्पा की रिपोर्ट।